हेलो दोस्तों वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तो देखिए मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ उसका चैप्टर नंबर वन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो का पार्ट नंबर सिक्स जिसमें हमें आज स्टार्ट करना है अपना कंसेप्ट वॉइड एग्रीमेंट से इससे पहले के सभी कंसेप्ट जो जो आपके एग्जामिनेशन में आने हैं वो मैंने पिछली वीडियो में मतलब चैनल पिछली वीडियोस में कंप्लीट करके चैनल्स पर अपलोड कर रखी हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए फिर ये वीडियो को देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो जिसमें हमें आज स्टार्ट करना है वर्ड एग्रीमेंट से उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए और वीडियोज को लाइक करना ना भूलें तो चलिए देखते हैं वर्ड एग्रीमेंट से आगे का जो एग्रीमेंट कोर्ट ऑफ लॉ एनफोर्स नहीं करता मतलब प्रोसीड नहीं करता सेक्शन टू जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन अर्ल्ड सेक्शन टू जी है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवन का वो डिफाइन करता है void agreement को, an agreement not enforceable by law. सिंपल ये डिफाइन दिया एन एग्रीमेंट नॉट बाय लॉ इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट दस पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट गेट एनी लीगल रेड्रेस इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट तो वॉइड एग्रीमेंट के केसेस में पार्टीज के पास कोई लीगल रेड्रेस uh, नहीं होता मतलब वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती वॉइड एग्रीमेंट अराइज ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ वन और मोर कंडीशन लेड डाउन बाय सेक्शन टेन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बनते हैं जब आप सेक्शन टेन में दी गई कोई एक या एक से ज्यादा कंडीशन को फॉलो ना करें तो वर्ड एग्रीमेंट क्रिएट हो जाते हैं दिस सेक्शन सेक्शन तो हमें क्या बताता है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल विद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड वो एग्रीमेंट सभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर वो फ्री कंसेंट से बनाए गए हैं जो पार्टीज बना रही हैं वो कॉम्पिटेंट है मतलब कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉफुल हेंगे वो एग्रीमेंट कंसिडरेशन उनकी लॉफुल है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी उनका लॉफुल है ऑब्जेक्ट मीन्स पर्पज है वो एग्रीमेंट बनाने का वो भी लॉफुल है और उन्हें एक्सप्रेसली मतलब किसी भी लॉ के अंदर उन्हें डिक्लेयर वर्ड नहीं किया गया है तो वो सभी एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रेक्ट कहलाते हैं

अगर हम उसे नहीं मानते हैं तो अगर उससे रिलेटेड हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाता है फ्रॉम दब इट इज क्वाइट क्लियर दैट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ दिस कंडीशन बाई वन ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट शैल मेक एन वॉइड एग्रीमेंट मतलब बोला गया है अब ऊपर जितना भी दिया गया है उससे हमें यह समझ में आ गया कि अगर जो ये कंडीशन बताई गई है इनके अलावा इनको बिना फलफिल किए बिना अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है

तो कंप्लीशन ऑफ सर्टेन रिक्वायर्ड बाय एनी अदर लॉ ऑफ कंट्री लाइक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंपनीज एक्ट ये सर आपका एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं नहीं, नहीं है अब आया है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अ वॉइड एग्रीमेंट एंड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस टर्म ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इन दोनों को सेम टर्म समझ लेते हैं ये दे ट्रीट इन सेम सेंस ये दोनों को सेम सेंस में ट्रीट करते हैं बट दिस इज रॉन्ग एग्रीमेंट शेल बी कॉल्ड अक्ट ओनली वैन इट इज फलफिल ऑल दी कंडीशन वाई सेक्शन टेन एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रेक्ट तभी बनता है जब वो सेक्शन टेन की सभी कंडीशन को फलफिल करे द स्टूडेंट कैन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रेक्ट स्टूडेंट एक डिफरेंस बनाते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रेक्ट के बीच में सबसे पहले हमें देखना है क्या डेफिनेशन में इनकी डिफरेंस है

उसे कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स करने से मना कर दे मतलब जब वो बना था तब तो वो सही था कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ उसे कर सकती थी लेकिन बाद में किसी कंडीशन की वजह से ऐसा हो जाता है कि अब उसे नहीं किया जा सकता तो वो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है ये आपको एग्जाम्पल डेफिनेशन वगैरह दे रखे हैं ना? आप रीड कर लीजिएगा मैं आगे चलता हूँ नंबर टू राइट क्या होते हैं तो अवॉइड एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट और ऑब्लिगेशन अपॉन पार्टी टू एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट से कोई भी लीगल राइट right या ऑब्लिगेशन पार्टीज की नहीं होती है ऑन द अदर हैंड अवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशन अपन पार्टी। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक राइट और ऑब्लिगेशन बना देता है पार्टी के ऊपर अ पार्टी टू अवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन इज राइट टू गेट बैक द बेनिफिट विच हैडन टू द अर पार्टी इन टर्म्स ऑफ मनी गुड्स और सर्विस एंड द अदर पार्टी एंजॉइंग सच बेनिफिट अंडर अवर्ड कॉन्ट्रेक्ट इज प्लेस अंडर टू रिटर्न दट बेनिफिट टू हम ट्रैक्ट के केस में क्या होता है अगर किसी भी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को वर्ड कॉन्ट्रेक्ट के अंदर अगर किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई भी बेनिफिट जैसे कि मनी कोई गोड्स या कोई भी बेनिफिट अगर दिया है तो वो उसके पास राइट होता है कि वो उससे वो बेनिफिट वापस ले सके और दूसरी पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि अगर उसने कोई भी बेनिफिट लिया है तो उस बेनिफिट को वापस करना पड़ेगा आगे आपको एग्जांपल दे रखा है इसे आप रीड कर लीजिएगा थर्ड पॉइंट है इनके डिफरेंस का ट्रीटमेंट वॉइड एग्रीमेंट बीन स्पेसिफिकली स्टेटेड इन चैप्टर एक्ट अंडर सेक्शन इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी अलग से बताया गया है बट नॉट सच मैं वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट बट वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसी कोई भी डिस्टिब मेंशन स्पेसिफिकली नहीं किया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होगा बट एग्रीमेंट बता दिए गए हैं कौन कौन से एग्रीमेंट वर्ड होते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एग्रीमेंट अब जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं और जो एग्रीमेंट अपोज होते हैं पब्लिक पॉलिसी के इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है तो ऑल दीज थ्री टर्म्स आर आउटकम ऑफ सेक्शन थ्री ये तीनों टर्म किसका आउटकम है सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री का विच डीलिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन ट्वेंटी थ्री डील करता है किसके साथ लॉफुल लॉफुलेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के तो द फाइव इन दिस सेक्शन इस सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री के अंदर कि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ इज ऑफ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ इज फ्रॉड्यूलेंट इनवॉल्वर इंप्लाइज इंजरी टू पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट रिगार्डिट एजोरलो टू पब्लिक पॉलिसी द फर्स्ट फोर एक्ट लिस्टेड अब फ्रॉम ए टू डी फॉर्मल लीगल पार्ट ऑफ लीगल एक्ट इनमें जो हमने ए बी सी डी ये चार पढ़े ये तो हमारे लीगल एक्ट हैं वाइल द फिफ्थ एक्ट रेफर टू इमोरल एक्ट और जो फिफ्थ है वो इमोरल है एक्ट है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है लेट अस नो दिस बिफोर वी डिस्टिंगइज देम इलीगल एक्ट आर नॉट सॉ कोई भी एक्ट इलीगल का होता है जब कोई लॉ उसे सपोर्ट ना करे विच मीन दैट नो राइट ऑफ एक्शन लीगल मैग्जीमा इट इज फाउंड ऑन गुड सेंस एंड एक्सप्रेस अ क्लियर इलीगल एक्ट में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अब क्या क्या चीजें इलीगल होती है पहले हमें वो देखना है नंबर वन है एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऐसा एक्ट जो कि लॉ ने मना कर दिया है कि तुम ये काम नहीं कर सकते फिर भी अगर आप वो काम करते हैं तो वो इलीगल एक्ट हो जाता है जैसे कि लाइसेंस इज टू बीज बाई हिम ओनली एंड नॉट टू बी ट्रांसफर्ड इन पार्टनरशिप विद बी एंड ट्रांसफर द लाइसेंस इन नेम ए को लाइसेंस दिया गया बस का चलाने का ठीक है उस लाइसेंस में कहा गया था कि तुम अपने अलावा ये किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते बट बी ए ने क्या कर लिया पार्टनरशिप कर ली बी के साथ की उसने लाइसेंस को ट्रांसफर कर दिया के नेम पर तो इलीगल हो गया सेकेंड है एनी एक्ट विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ मतलब कोई भी एक्ट जो कि किसी लॉ की प्रोविजन को डिफीट करे वो हमारा इलीगल होता है थर्ड है एनी एक्ट विच इज फ्रॉडुलेंट कोई भी एक्ट जो फ्रॉड हो वो हमारा इलीगल होता है

जो ह्यूमन लाइफ के स्टैंडर्ड्स हैं नॉर्म्स उन्हें डिफीट करते हैं और उन्हें है। तो है, है? चलते हैं ये है, आपके सारे एग्जांपल दे रखे हैं आप इन्हें पढ़िएगा मैं बताता हूं आपको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कौन कौन सी चीजें होती है तो एग्रीमेंट हार्मफुल टू पब्लिक वेलफेयर बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ऐसे एग्रीमेंट जो कि पब्लिक के लिए हार्मफुल हो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी इज दैट प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच होल्ड दैट नो सब्जेक्ट कैन लॉफुली डू दैट विच हैज टेंडेंसी टू बी इंजरियस लॉ कभी भी किसी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करता है जिससे किसी प... अदर पर्सन को इंजरी हो या उसकी गुड्स को इंजरी हो ठीक है अगर कोई ऐसी होती है, तो वो होती है, आ, अब देखिए एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आती है नंबर वन एग्रीमेंट फॉर ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री जब हम एनिमी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करें तो वो एग्रीमेंट हमारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता है नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर स्टीफलिंग प्रोसिक्यूशन अगर किसी चलती हुई प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन क्या होता है कोई किसी चलते हुए केस को हम रोकने की कोशिश करें तो वो हमारा अपोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी हो जाता है थर्ड है एग्रीमेंट इंक्लूड अंडर शाम्पटी एंड मेंटेनेंस शाम्पटी और मेंटेनेंस के अंदर अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो अपोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है फोर्थ एग्रीमेंट क्रिएटिंग इंडिफरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ कोई इंटरफेयर कर रहा है उसमें कोई केस चल रहा है उसके बीच में कोई इंटरफेयर कर रहा है तो वो हमारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है फिफ्थ आएगा मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाने का जो ब्रोकरेज लिया जाता है वो हमारा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी जो हमारी ड्यूटी है हम उसे करने से मना कर रहे हैं अगर और उसमें अपना बेनिफिट बना रहे हैं तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस पब्लिक ऑफिस की सेल के लिए जो एग्रीमेंट होता है वो हमारा पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी होता है एट्थ है एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली मोनोपोली क्रिएट करना हमारा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है नाइन्थ एग्रीमेंट नॉट टू बिड इन एनी एक्शन ऑक्शन सेल अगर हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं किसी पर्सन के साथ कि तुम ऑक्शन सेल के अंदर बिड नहीं करोगे तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और टेंथ है एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड अगर हम किसी को ट्रेड करने से रोकते हैं तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है अब देखिए सबसे पहले सबसे पहले नहीं अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमारे एग्रीमेंट अपोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी थे और इलीगल एग्रीमेंट थे वो दोनों चीजें हमने देख ली हैं वो हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एग्रीमेंट अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ इसमें क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज नाउ वेयर डिफाइंड मिस्टेक जो हमारे फ्री कंसेंट के अंदर पांच चीजें थी फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन जेंटेशन इन्फ्लुएंस और मिस्टेक चार चीजें हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं आज हमें बात करनी है मिस्टेक मिस्टेक के बारे में इट कैन बी डिफाइंड एज बिलीफ अबाउट समथिंग क्या होता है किसी भी चीज के बारे में गलत विश्वास कर लेना उसे हम कहते हैं मिस्टेक मिस्टेक इज टू ब्रॉड कैटेगरी दो टाइप की मिस्टेक होती है मिस्टेक एज टू फैक्ट और मिस्टेक एज टू लॉ एक होती है किसी फैक्ट की मिस्टेक और एक होती है किसी लॉ की मिस्टेक

तो उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल नहीं होता है ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है क्योंकि हम अपने कंट्री के लॉज के साथ मिस्टेक नहीं कर सकते बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट बट अगर कोई ऐसा लॉ है जिसकी हमने मिस्टेक करी है जो कि पहले इंडिया में लागू होता था अब नहीं होता है तो उसे हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे? करेंगे और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठीक है ये आपको इलेन दे ऐसे आप रीड करिएगा मैं आगे लेकर चलता हूँ अब आपको अब हमने मिस्टेक ऑफ लॉ को भी दो ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ और मिस्टेक मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ लॉ अगर हम अपनी कंट्री का इंडियन की मिस्टेक करते हैं या फॉरेन लॉ की मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ इज एज एज मिस्टेक टू फैक्ट एंड देयर फॉर एन एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ इज डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय द इंडियन लॉ कोर्ट मतलब अगर हम मिस्टेक करते हैं किसी फॉरेन लॉ की इंडिया में रहकर तो उसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे मिस्टेक हैज टू फैक्ट ट्रीट करेंगे और जो हमारा एग्रीमेंट होगा वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा मिस्टेक हैज टू इंडियन लॉ डज नॉट यूनिवर्सली और जनरली इनवैलिडेट द ट्रांजैक्शन विच आर बेस्ड अपॉन इट अगर हम मिस्टेक करते हैं इंडियन लॉ की तो इससे जो हमारा एग्रीमेंट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो वॉइडेबल नहीं होगा इट इज ड्यू टू सिंपल रीजन दैट मैक्सिमम इग्नोरेंट ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट इज रिस्ट्रिक्शेड इन इट्स ऑपरेशन टू इग्नोरेंस ऑफ जनरल लॉ ऑफ कंट्री ये कहा गया है सिंपली कि कोई भी पर्सन अपने कंट्री के लॉ के साथ मिस्टेक नहीं कर सकता है सेक्शन ट्वेंटी रिलीफ टू एग्री पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ अगर कोई भी मिस्टेक करता है इंडियन लॉ की तो उसे कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट वेन मिस्टेक इज सो फंडामेंटल एज टू प्रिवेंट एन रियल एग्रीमेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस फॉर बींग फॉर्म इट इज रियल ऑफ वट काइंड ऑफ मिस्टेक ये सर आपको एक्स्ट्रा दे रखा है इसे आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आगे चलते हैं अब कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी मिस्टेक के अंदर आती हैं तो नंबर वन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर मिस्टेक के अंदर नहीं है हमारा कंसेप्ट ही है एक न्यू मिस्टेक एस टू एग्रीमेंट एस टू मिस्ट वेजर तो एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वाइड वेजर का मतलब होता है गैम्बलिंग कह सकते हैं हम एक तरीके से सट्टा लगाना जो होता है तो एग्रीमेंट जो कि वेजर की फॉर्म में किया जाए वो सभी एग्रीमेंट वर्ड होते हैं एंड नो सूट बी ब्रउ फॉर रिकवरिंग एनीथिंग और इसके अंदर हम किसी भी टाइप का केस फाइल नहीं कर सकते कोई भी अमाउंट रिकवर करने के लिए एलेक्ट टू बी और एनी वेजर और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन टू अवॉइड बाई द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अदर अनसर्टेन इवेंट ऑफ विच एनी वेजर इज मेड और अगर कोई पर्सन इस एग्रीमेंट के अंदर कोई गलत डिसीजन भी ले देता है तो उसके लिए भी हम इस पर केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइप के ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये वॉइड होते हैं दिस सेक्शन शैल नॉट डीम टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और अग्रीमेंट टू सब्सक्राइब एनी कंट्रीब्यूट यह सर आपको एक्स्ट्रा दे रखा है इसे आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर की भी तो देखिए फ्रॉम द अब इट कैन बी स्टेटेड दैट वेजर मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर नंबर इट इज टू स्टेडर मनी वर्थ इसमें क्या होना चाहिए किसी भी चीज को हम वेजर तभी कहेंगे जब उसमें मनी या मनी के बराबर कोई चीज देने के लिए प्रोमिस किया गया है सेकेंड द प्रोमिस डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्रोमिस किस चीज पर डिपेंड करता है किसी किसी अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर सी द इवेंट अपॉन विच प्रोम डिपेंड इज अनसर्टेन जो इवेंट है वो किस पर डिपेंड होना चाहिए किसी अनसर्टेन चीज पर पार्टी डू नॉट नो देंस ऑफ इवेंट और पार्टीज को नहीं पता होना चाहिए कि ये चीज होने वाली है फोर्थ है नन ऑफ पार्टी एज कंट्रोल और ऑकेेंस ऑफ द अनसर्टेन इवेंट जो अनसर्टेन इवेंट है वो किसी भी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए ठीक है ये आपके चार पॉइंट हो गए पांचवा पॉइंट है वी कैन एक्सप्लेन अवर पॉइंट विद द आपको आगे एग्जाम्पल दे रखा है सारा

है, तो जो कर रहा है, lottery, उसे नहीं ये नहीं किया जा सकता कि लॉटरी वैलिड गेम हो जाती है लॉटरी रहेगी ही मतलब एक तरीके से इलीगल एग्रीमेंट ही लेकिन जो पर्सन उसे कंडक्ट कर रहा है उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर वो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर है

बट जो मेन चीज है वो किस पर लाई करती है परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस अल्टरनेटिव होती है मतलब या तो एक पार्टी को कुछ मिल रहा होता है फायदा हो रहा होता है एक का नुकसान हो रहा होता है बट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता उसमें एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती है जिसमें दोनों का ही फायदा होता है बाकी आपको ये इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट ट्रांजेक्शन अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती है जो लगती है 1955, Skill, 100, प्राइस तरह वर्ड पर प्राइज कॉम्पिटिशन भी जो होते हैं हमारे वो होते एक तरीके से वेजरिंग एग्रीमेंट क्योंकि उसमें एक पार्टी को प्रॉफिट एक पार्टी को लॉस जरूर होता है बट जो प्राइस कंपटीशन एक्ट है उसने ये प्राइस हमारा सौ रुपए से नीचे का है तो वो हमारा वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा वरना वो भी वेजरिंग की कैटेगरी में ही आते हैं नेक्स्ट है गेम्स ऑफ स्किल लाइक एथलेटिक कंपटीशन रेसलिंग बोट गेम्स होती हैं जैसे कि कॉम्पिटिशन वगैरह हो गए वो भी हमारी वेजरिंग की ट्रांजेक्शन वेजरिंग टाइप के होते हैं बट वो वेजरिंग वेजर, वेजर एग्रीमेंट्स नहीं होते थर्ड है सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एनी एन एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कंट्रीब्यूट टू वर्ड एनी प्राइज किसी प्राइज में सब्सक्राइब करना या कंट्रीब्यूट करना भी हमारा वेजरिंग ट्रांजेक्शन की तरह लगता है बट वो वेजरिंग ट्रांजेक्शन नहीं होती है नेक्स्ट है तेजी मंदी ट्रांजेक्शन और डील इन शेयर ऑफ एंड स्टॉक वेयर द पार्टी इंटेंशन इज टू डिलीवर द गुड्स और सिक्योरिटीज़ और फिफ्थ है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये हमारी ट्रांजेक्शन है जो कि हमें लगती है कि वेजरिंग है बट वेजरिंग नहीं होती है आगे है डिस्टिंक्शन ऑफ वेजर विद अ कंडीशनल प्रॉमिस एंड अ गारंटी आपका इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है इसे आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा मैं आपको इसे रीड नहीं करवा रहा या करवा दूं चलिए करवा ही देता हूं मैं द मेन चलिएशन इन वेजर एंड द वैलिड कंडीशनल इज दैट इंटेंशन एंड इंटरेस्ट जो मेन डिस्टिंक्शन करता है किस चीज में एक वेजरिंग ट्रांजेक्शन में और एक कंडीशनल प्रोमिस या गारंटी में वो क्या होता है इंटेंशन और इंटरेस्ट के बेसिस पर हम डिफरेंस करते हैं पार्टी no in का कोई और इंटरेस्ट नहीं होता है सिर्फ ये इंटरेस्ट होता है या तो उसे जीतना है या हारना है party, अगर किसी पार्टी के फेवर में इवेंट होता है तो वो गेन होता है अगर उसके अपोजिट इवेंट हो जाता है तो वो लॉस हो जाता है पार्टी इज टू लूज द अदर टू गेन एक पार्टी लूज करती है एक पार्टी गेन करती है बट इन वेलिड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बट कंडीशनल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बोथ द पार्टी है प्रोप्राइटर इंटरेस्ट दोनों पार्टीज का उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है दिस प्राइप्राइटरी इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट और इंश्योरेंस की फॉर्म लैंग्वेज uh, में हम इसके क्या कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट ओनली मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ वेजर एंड द इंश्योरेंस जो ये इंटरेस्ट है यही एक हमें एक, डिफरेंस बना देता है किसमें वेजरिंग और कंडीशनल प्रोमिस के अंदर ठीक है आगे देखिए सेकेंडली इन पार्टीज बेट सेकेंड डिफरेंस जो हमारा बोला था एक बोला था इंटेंशन एक बोला था इंटरेस्ट तो देखिए इंटरेस्ट के बारे में तो हमने देख लिया सेकेंड है पार्टी की बेट वेजर में क्या करते हैं पार्टी बेट लगाती है दे डिपेंड अपॉन दांस और चांस पर डिपेंड करती है द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट मे भी इन फेवर और अगेंस्ट देट नो जो भी इवेंट पर उन्होंने बैट लगाई है वो उनके फेवर में भी हो सकता है वो उनके अगेंस्ट भी हो सकता है दे हैव टू गेन और लूज डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेन इवेंट वो या तो गेन करेंगे या लूज करेंगे किस पर डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है बट इन कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योर्ड पे दंसिडरेशन बट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योर्ड है वो कंसिडरेशन पे करता है जैसे कि हम प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस के लिए Whether there is loss or not, या पर या तो लॉस होता है या नहीं होता है। लॉस अगर लॉस होता है तो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो लॉस को फुलफिल करती है द पार्टी टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज नोज इन नो बैट और टेक एडवांटेज ऑफ पोजिशन ऑफ अदर पार्टी इस कंडीशनल प्रोमिस के uh, अंडर क्या होता है जो हमारा कोई भी बैट वगैरह नहीं होती है सिंपल हमें एडवांटेज मिलता है हमारी पोजीशन का आगे नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वेजर एंड कोलैटरल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि वेजर है और कोलैटरल है तो सेक्शन थर्टी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज स्टेटेड इन क्लियर टर्म्स दैट एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड सेक्शन 13 हमें यह बता दिया है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि वेजर हो वो वॉइड कहलाता है

और अगर हमारा वेजर एग्रीमेंट वॉइड हो गया तो हमारी जो कोलेट्रल वाली ट्रांजेक्शन है ये जरूरी नहीं है कि वो भी वॉइड हो जाए वो डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर ये आपको एग्जांपल देके समझा रखा है आप इसे पढ़ लीजिएगा आगे चलते हैं वेजर इज वॉइड बट नॉट फॉरविडन वाइल वेजर में क्या होता है ये वॉइड होता है लेकिन इसे लॉ मना नहीं करता कि तुम इलीगल हो ये होते वैलिड है लेकिन वॉइड होते हैं एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र वेजर इज नेदर इमोरल और पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी आपको सारे एग्जांपल दे रखे हैं देखिए मे भी आपको मेरे को लग रहा है कि आपको वॉइड और इलीगल में डिफरेंस नहीं कर पा रहे आप लोग तो देखिए वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं कौन से एग्रीमेंट होते हैं वॉइड एग्रीमेंट जो कि कोर्ट ऑफ लॉ इंफोर्स नहीं कर सकता ठीक है लेकिन वो होते वैलिड है वो मतलब अगर जब वो बने थे तब वैलिड थे लेकिन किसी कंडीशन सरकम के होने की वजह से क्या हो जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं बट इन केस ऑफ इलीगल के एग्रीमेंट के केस में क्या होता है लॉ उन्हें इन्फोर्स नहीं करता है मतलब लॉ उन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकता है. ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं आगे आप इन्हें रीड करिएगा नेक्स्ट है वेजर वेजर एक के साथ एक कोई कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजर और जेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है तो बिफोर वी द वेजर एंड द कॉन्ट्रैक्ट वी वो तो वट इजेंट मे बी सेड अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट को हम क्या कह सकते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हम कह सकते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ सम इवेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिनकी परफॉर्मेंस किसी इवेंट के होने या हो ना होने पर डिपेंड करती हो उसे हम कहते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट दस द सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट आर डिपेंडेंट अपॉन द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट वाइल अदर आर डिपेंडेंट अपॉन नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती हो या तो उस इवेंट के होने पर या उस इवेंट के ना होने पर तो उसे हम कहते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट

कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड करवा दिया किसी एक इवेंट के होने या ना होने पर तो उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखिए जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर कल बारिश होती है तो मैं तेरे को ₹100 दूंगा और अगर कल बारिश नहीं होती है तो तू मेरे को ₹100 दे दियो तो ये हो गए? ये इवेंट कैसे हमारा जेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट करा सौ रुपए लेने या देने का किस चीज पर किसी एक अलग इवेंट के होने या ना होने पर बारिश के होने या ना होने पर तो इसे कहेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है फॉलोइंग फ्यूचर जेंट कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म किए जाते हैं जब फ्यूचर में कोई इवेंट होता है या नहीं होता है के के this this और इसी के बेसिस पर हमने इसे बाकी कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर रखा है दूसरी अनसर्टेन जो फ्यूचर इवेंट है जिसके ऊपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है

आगे देखिए रूल्स रिगार्डिंग गिवन इन सेक्शन थर्टी टू से लेकर स्टेट अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन इवेंट इवेंट इसमें क्या बताया गया है कि इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट किस चीज पर जो कि कंटिजेंट है किसी चीज के होने पर सेक्शन थर्टी थ्री हमें बताता है स्टेट अबाउट द दसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट टू इवेंट नॉट हैपनिंग जो कि किस चीज पर डिपेंड करते हैं किसी चीज के ना होने पर सेक्शन थर्टी फाइव स्टेट बी वॉइड सेक्शन थर्टी फाइव बताता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स टाइप के टाइम के अंदर हो जाने चाहिए अगर उतने टाइम में नहीं होते हैं तो वो हमारे वॉइड कहलाएंगे आगे है सेक्शन थर्टी सिक्स स्टेट द एग्रीमेंट जेंट ऑन इम्पोसिबल इवेंट और अगर कोई ऐसा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो की इम्पोसिबल इवेंट के होने पर डिपेंड करता है तो वो हमारा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अब अगर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ वेजरिंग एंड अंटिजुएंट कॉन्ट्रैक्ट अब एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और एक कंटिजुएंट कॉन्ट्रेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको हम करेंगे अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आगे अगले पार्ट में आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें स्टार्ट करना है डिस्टिंक्शन बिटवीन अ वेजरिंग एंड अ कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें मे बी आपके लिए यूजफुल रही होगी आपको पसंद आई होगी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू